भैया रूप कहिए भैया गेंद खेलेंगे हम तो आज। हाँ भैया, आज हमारा भी बहुत बहुत दिन से मन कर रहा है कि हम गेंद खेलें। मैं डर की वजह से कह नहीं पा रहा था अपने भैया बड़े भैया रूप से। कोई दोस्त, तुमने तो आज हमारे मन की बात छीन ली। गेंद खेलेगा जरूर। और हम तो सो गए थे, नींद से उठ के आए हैं। अभी एक दूसरे साथी ने हमें जगाया है कि वो लोग गेंद खेलने गए हैं। भैया वसंत। हाँ भैया, खेलेंगे जरूर। हाँ हाँ, गेंद खेलेंगे भैया। इस महल के नहीं खेलेंगे। चलो, उस महल में क्या है भैया? ये छोटी मौसी का महल है। वहीं खेलेंगे। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। धीर सिंह चाचा ने मना किया है। हाँ, हमारे धीर सिंह चाचा हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने अगर मना किया है तो हम मौसी के महल की तरफ देखेंगे नहीं। आप गेंद खेलने की बात करते हैं। नहीं, उधर गेंद खेलने नहीं जाएंगे। और भैया भैया रूप, आप थोड़ा तेज गेंद मत फेंकना। मौसी की गेंद, मौसी के महल की तरफ गेंद नहीं जानी चाहिए भैया। नहीं जाएगी भैया। वसंत। हाँ भैया, गेंद मेरी है। हाँ, ये मेरी गेंद खो जाएगी तो मैं ले लूंगा। कैसी बात करते हो भैया, हमारी माँ नहीं है इसलिए आपने गेंद अपनी माँ से बनवाई है, तो हमें खेल लेने दो, खोने नहीं देंगे भैया। बसंत, ये गलत बात है। चलो खेल स्टार्ट करो। हाँ, नहीं नहीं, खेल को स्टार्ट किया जाए। बात नहीं मानेंगे किसी की, बात किसी की नहीं मानेंगे। जब मेरी माँ मर गई थी। हाँ भैया, तुम्हारे माँ ने इतना बड़ा किया। ये गेंद खेलेंगे जरूर, लेकिन मैं ले लेंगे। ठीक है, चलो। ये क्या किया तुमने? क्यों भैया? हाँ, इतनी तेज गेंद फेंक दी। हाँ, तुम्हें पता है वो गेंद कहाँ गई? कहाँ गई? वो देखो, वो मौसी के महल में गेंद चली गई भैया। अच्छा, अब क्या होगा? कोई बात नहीं भैया, मुझे तो डर लग रहा है भैया। कुछ नहीं भैया। और ये अपनी गेंद मांगेगा हमसे, हम कहाँ से देंगे? गेंद दे देंगे, मौसी के महल में चले जाएंगे। ना ना भैया, आप ऐसा मत करना, हम मौसी के महल में मत जाना। अरे भैया बसंत, हमारे चाचा ने मना किया है भैया। भैया बसंत। हाँ भैया। अरे मौसी भी एक माँ होती है। हाँ वो तो होती है। और माँ के महल में जाऊंगा और गेंद लेके चला आऊंगा। भैया आपको नहीं लगता, अगर मौसी माँ होती तो कितने दिन से आई हुई है, उसने एक बार भी हमें प्यार से अपने गले नहीं लगाया है। ये तो है भैया। तुम जा तो रहे हो भैया, लेकिन हमारा हमारा दिल नहीं कहता कि तुम मौसी के महलों में जाओ और गेंद लेकर आओ। ऐसा करो भैया, हम इसको दूसरी गेंद ला के दे देंगे, लेकिन आप महलों में गेंद लेके मत जाओ भैया। नहीं, दूसरी नहीं लेंगे, हमें वही गेंद चाहिए। ऐसा ना करो भैया, हमें वही गेंद चाहिए। रहन दो भैया, हमें वही गेंद चाहिए। हम भाइयों पर थोड़ी दया करो, हम तुम्हें उससे ज्यादा कीमत की ज्यादा बड़ी गेंद ला के देंगे। नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। बसंत भैया। हाँ भैया, देखिए मौसी भी एक माँ होती है, और मौसी के महल में जाकर के मैं गेंद लेके बहुत जल्दी आ जाऊंगा भैया। भैया चले जाओ, लेकिन याद रहे वहाँ पहले दरबारियों से मिल लेना, और गेंद बाहर से ही लेके चले आना, अंदर महल में मत जाना भैया। ठीक है भैया। Thank you.
महारानी जी, आप कितनी सुंदर लग रही हो, आपको तो देखकर मानो चांद भी शर्मा जाएगा। कितना यौवन है आप में महारानी जी। ए दासी। हाँ हाँ महारानी जी कहिए। ये तो क्या कह रही है, ये दोबारा से तो कहना। महारानी जी, मैं जो कुछ कह रही हूँ ठीक ही तो कह रही हूँ। आप कितनी सुंदर दिख रही हो महारानी जी। मैं सुंदर हूँ? हाँ हाँ महारानी जी, इसमें तो कोई संकोच वाली बात ही नहीं है। आप कितनी सुंदर दिख रही हैं। हे दासी, कहिए महारानी जी। तू इस बात को कह रही है, लेकिन मैं सुंदर हूँ, पर क्या करूं दासी, लेकिन इस घर में तो मेरा आकर मेरे आने के बाद मेरे भाग्य ही फूट गए। अरे महारानी जी, आप ये क्या कह रही हो, ऐसा क्या हो गया आपके साथ में? हे दासी, कहिए महारानी जी। मैं तुझसे एक बात पूछूं? बिल्कुल महारानी जी, पूछिए। दासी। हाँ हाँ महारानी जी, कहिए। मुझे बता सकती हो क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मेरी शादी? मेरी तो शादी हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए महारानी जी। तो आपके पति की उम्र कितनी है? मेरे पति की उम्र यही कोई होगी महारानी जी, लगभग 22 वर्ष। 22 वर्ष? हाँ हाँ महारानी जी। और फिर तुम्हारी उम्र? हमारी उम्र लगभग यही कोई 20 वर्ष होगी महारानी जी। एक काम करना दासी। क्या कहिए महारानी जी। तो तू अपने पति को मेरे पति से बदल क्यों नहीं लेती है? नहीं नहीं महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको ये बात कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं लग रही है? दासी, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे महारानी जी, आप एक पतिव्रता नारी होकर ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती हैं? अरे दासी, कहिए महारानी जी। तो तू ही बता अब मैं क्या करूं। तू देख रही है ना? हाँ हाँ महारानी जी, मेरी कैसी हालत हो गई है। अरे सुन तो सही पगली। कहिए महारानी जी, ऐसा क्या हो गया आपके साथ में? सुनाइए महारानी जी, क्या हुआ? ऐसा आप उदास क्यों लग रही हैं मेरे को? तो सुन दासी, कहिए। और जवानी है जो सुहीली जवानी, और मैं हाल क्या कहूं अपनी जवानी का। अरे वो मिटा ना सका रुतबा मेरा और मेरी इस जवानी का। अच्छा महारानी जी, और नहीं टिकता है चोली में शरारत का खजाना, और जिगर में टीस देता है और ये जलवा जवानी का। महारानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या बताऊं ए दासी तुझे, मैं क्या बताऊं? अरे अपने दिल के राज खोलते हैं। अरे बताइए तो महारानी जी, तो हम भी तो आपके साथ रहते हैं, हम भी तो जाने आपके साथ क्या हो गया है। इस जग में हंसी के सिवा और कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की बात तुझसे कह रही हूँ। कहिए महारानी जी। अरे मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, और मैं
मैं क्या कर रहा, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। और मैं जोगिन हसीन मेरी मोरनी सी चाल है। अच्छा मारन जी, मैं जोगिन हसीन हो गई रे, हाय मैं हो गई रे बदनाम, मुझे कहिए महारानी जी। और प्रेम करा, प्रेम पाया और प्रेम पाकर प्रेम खो दिया, प्रेम के गीत गाए, प्रेम को प्रेम से सुनाए, परंतु प्रेम ने हमको सताया, कभी हंसाया और कभी रुलाया, इस प्रेम ने दुनिया को बसाया। तो प्रेम ने किसी को उजाड़ा और किसी को खुश किया, और प्रेम ने प्रेम से प्रेम का आंचल पलट दिया। वास्तव में ये प्रेम कितना मधुर है, और जिससे होठ चिपक कर बंद हो जाते हैं। अच्छा महारानी जी, हे छोटी दासी, अब तू अपने महलों में जा और झाड़ू लगाकर फिर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है महारानी जी। चलते सीन पर 50 रुपए का पुरस्कार तेजपाल सिंह साक के, और 50 रुपए का पुरस्कार धर्मेंद्र सिंह साक के अंगदपुर आतर। ये 50-50 रुपए का पुरस्कार देते क्लब इनको हार्दिक धन्यवाद देता है। अरे मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने, बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे पिया चले गए भट्टा पे, मैं खाड़ी देखूं अट्टा।
कहाँ से आई? चलो इसके बारे में महारानी जी को पूछती हूँ। लगता है महारानी ही महल में गेंद से खेलती हैं। अरे महारानी जी, क्या आप भी अपने महलों में गेंद से खेलती हो? क्या हुआ दासी? मुझे आपके महलों से ये गेंद मिली है। ए दासी, तू पागल हो गई है क्या? मेरी उम्र गेंद से खेलने की उम्र है। लेकिन महारानी जी, ये गेंद तो आपके महलों से ही मिली है। ए दासी, इस गेंद को दिखाओ तो सही, ये गेंद कैसी है? लो महारानी जी, देख लो। अरे दासी, इस पर तो नाम भी लिखा हुआ है। ये गेंद इतनी सुंदर है तो इसको खेलने वाला कितना सुंदर होगा। अरे महारानी जी, क्यों बेकार में ऐसी बात करती हो? क्या आपको मालूम नहीं है ये गेंद किसकी है? किसकी है? इस पर तो नाम भी रूप लिखा हुआ है। ये गेंद आपके बेटे रूप की है। क्या महाराज का कोई बेटा भी है? हाँ महारानी जी, तुम्हारी सौत का बेटा रूप है और छोटा बेटा बसंत है। हे दासी, तो क्या तुम मुझे उस रूप का दीदार करा सकती हो? महारानी जी, आप जिसका दीदार करना चाहती हैं वो आपका ही बेटा है। क्या तू पागल हो गई है क्या? मेरे तो अभी कोई बेटा भी नहीं हुआ है। अरे तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारी सौत का तो बेटा है, हुआ तो तुम्हारा ही बेटा। अच्छा, तो तू ये बात तू जानती थी? शायद तू ये भूल रही है, मैं यहाँ की महारानी हूँ। महारानी जी, उसी तरह आप भी भूल रही हैं कि रूप भी यहाँ का राजकुमार है। हे दासी, मैं तुझसे क्या कहूँ? तू मेरी दासी है और दासी होकर तू मुझसे जबान लड़ाती है। और जाती ना छिना और लाती ना उस गुल हजारे को लाती ना छिना। We'll be right back.
मर जाती नाचे नार जाती नाचे नार और लाती ना उस गुल हजारे तो जाती नाचे नार अरे महारानी जी, 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 जी आप इस बेचारी को क्यों इस तरह सता रही हैं? सकल से तुझे बेचारी लग रही है? हाँ हाँ महारानी जी, आप इस बेचारी को छोड़िए, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए हरदम तैयार रहती हूँ। तो आप? हाँ हाँ महारानी जी, आप मेरी मदद करिए। हाँ हाँ बताइए महारानी जी, मुझे किसी भी हाल में उस रूप कुमार का दीदार होना चाहिए। अच्छा महारानी जी, अगर आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो मैं अभी जाती हूँ और रूप कुमार को लेकर आपके सामने आती हूँ। होकर कुछ लोगों ने मुझे इनाम दिया जो इस प्रकार है। 100 रुपए पप्पू यादव नथुआपुर निवासी, 20 रुपए